किसी को कुछ आवाज रखना है, समझ में आई क्या करे वो कर जब देखो वीडियो बना रखा मोबाइल बहुत हो गया समझ नहीं सोशल मीडिया में घुसी रहोगी क्या देखो तब शाम को खाना नहीं बनेगा वो बात नहीं है उससे आगे लड़ने के लिए हम लड़ नहीं रहे हम तुमसे बड़े हैं कुछ भी हम बोल सकते हैं ठीक है बस आखिर सासू निकली गई वही जो मन तो हम कर हम लोग जल से क्या हुआ बोलो हम कर दे तब पर भी मुझे इतना सुना के गई भाभी नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं हूं आपका दोस्त अमित जायसवाल ये है हमारी प्यारी भाभी वंदना जायसवाल ये है हमारा प्यारा लौंडा ऋषभ जायसवाल तो दोस्तों आज एक बार फिर होने जा रहा है किट्टो के ऊपर प्रैंक क्योंकि अभी जो वीडियो हमने डाला था उसमें आप लोगों का इतना प्यार मिला और किट्टो को क्या लग रहा है कि अभी उसके ऊपर प्रैंक नहीं होगा अभी भाभी या सोनाक्षी के ऊपर प्रैंक होगा तो दोस्तों किट्टो की इस गलत फहमी को हम करने जा रहे हैं आज दूर और करने जा रहे हैं इसके ऊपर फिर से एक प्रैंक तो प्रैंक का प्लान कुछ इस तरीके से है किट्टो उस वाले कमरे में वीडियोस बना रही बोल रही मुझे रील्स बनाने हैं तो बोला ठीक है तो रील्स बनाओ हम आ रहे थोड़ा सा पानी वानी पी के तो मैं भाभी के पास आया भाभी को मैंने एक दिमाग दिया भाभी क्या करना है आपको पता है आज उनका हम पूरा वीडियो सीडियो सब एक कर देंगे काहे घबरा रही आज भाभी किट्टो को हड़काएगी खतरनाक वाली लेकिन दोस्तों ये रियलिटी में नहीं होगा ये एक प्रैंक होगा जो हम लोग किट्टो के ऊपर करने जा रहे हैं जो भी चीजें होंगी मैं और भाभी जो भी चीजें करेंगे किट्टो के ऊपर मतलब मैं रिकॉर्ड करूंगा लेकिन भाभी जितनी भी चीजें किट्टो को बोलेंगी ना वो एक स्टोरी होगा मतलब रियलिटी में नहीं बोल रही है किट्टो को ये चीज़ लगेगा कि भाभी रियलिटी में उसको डांट रही है लेकिन ये रियलिटी में नहीं है तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करने लगे ये चीज़ सोच करके भाभी उसको सही में डांट रही है सही में उसको उल्टा पुल्टा बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन ये एक प्रैंक वीडियो है तो प्रैंक वीडियो हमें कुछ ऐसा करना है ना कि किट्टो की आंखों से आज आंसू निकाल देने बाय गॉड होता है उसको रुला देना है क्या भाभी तो भाभी मैं आपको एक प्लान बता रहा हूँ भाभी के दांतों में हो रहा है दर्द दो चार दिनों से वो डॉक्टर को दिखाने जाती हैं तो भाभी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है शरीर जब दांतों में दर्द होता है पता है ना सर में दर्द पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है तो भाभी उसी चीज़ का पॉइंट बना करके किट्टो की आज ऐसी तैसी करेंगी तो भाभी तैयार है आप हाँ हम तो बिल्कुल तैयार हैं एक बार हाउ डेयर यू बोल दो हाउ डेयर यू तो क्या करेंगी आप बताइए हम तो अभी मैं क्या बताऊँ तो कैमरे के सामने उनके सामने तो भाभी जब एक्शन लेती है आप लोग को पता ही ना तो दोस्तों चलिए देखते हैं मैं बैक कैमरे से छुपा करके शूट करूंगा देखता हूँ कि क्या होता है फिर किट्टो जब रोने मैं दोनों के बीच में आऊंगा देखता हूँ आता हूँ कि नहीं आता हूँ क्या होता है अभी कुछ सिचुएशन पता नहीं है क्योंकि ये प्रैंक वीडियो कोई प्री प्लान नहीं है कि किट्टो के साथ क्या होगा बस एक थीम मैंने बना दिया कि ये चीज करना है आइए चलिए देखते हैं गाइस मैं जा रही हूं किट्टो की ऐसे की तैसे करने बड़ी वीडियो बनाती हैं देखते हैं आज चिल्लाने की जरूरत नहीं है समझी और खाना की रही बात तो खाना हमने बना लिया है मतलब कि सुबह बनाए थे पनीर का सब्जी रोटी तो ये नहीं खाए हैं तो सुबह बनाई तो शाम को खाना नहीं बनेगा वो बात नहीं है तो बताओ क्या बात है सोचे हुआ है कि गरम गरम तो हम लोग दस खाई दाल चावल बना देंगे तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है तुम चिल्ला रही हो मेरे ऊपर अरे चिल्ला रही बात नहीं तुम कुछ करती हो हम तुमको कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते फिर हम तुम्हें अच्छे के लिए समझा रहे थे तुम मुझे नटंकी कर रही आते मैं नटंकी नहीं कर रही हूँ मेरे से ज्यादा बहस मत करो जगह तो उसी रहती है उसी में रील से में यूट्यूब तुम भी तो ऐसे में रहती हो तो रहते हैं तो अपना काम करके रहते हैं हम भी अपना काम करके ही रहते हैं हम रहते हैं ये तुम्हें नहीं पता है कि मेरे दांतों में दर्द इलाज चल रहा है चलो क्या करना है इनको बच्चे को खिलाना पिलाना है तुम्हें बच्चे दूध पियाना है मौसी के दर बिना पिता बिना शादी के लिए आए तो का तुम्हारा काम करा है बिना लेके नहीं नटंकी फाड़े आए खाली जाते चटक मुटक करिए और कुछ करेंगे नहीं वो जिंदगी में बस जब देखो तब वीडियो में घुसी रही है यही में मर जाए एक ही टाइम होता कि चलो वीडियो सीडियो बना वही को बना दे बाकी 10 बजे रात की 11 बजे रात की सुबह 2 बजे भाई कोनो टाइम होता कोनो चीज का ही नहीं है हमेशा वही घुस ही रहा जब देखो तब क्या नहीं पूछ सकता
यहाँ सोचते कि हाँ पूछी नाई की कैसे तबीयत बा कैसे ठीक नाई बा कि अरे आराम बा कि नाई बाट है एक आकर पूछो लेते तो जेरो वहाँ शांति रहते हैं हट हम भी तो रहते हैं। एक बार भी पूछने आती हो क्या कि हाँ बीमार को या फिर कब आती हो क्या यही करते हैं मेरा तुम थोड़ी ना आती हो पूछने कुछ भी बोलोगी हम भी तो बीमार रहते हैं क्या हम नहीं बीमार रहते ऐसे तो बोलती हो क्या हम आती हो क्या मेरा पूछने पाछने नहीं आए पूछे लेकिन क्यों नहीं बीमार उस दिन गई थी तो क्या नाम है पता था कि हाँ डॉक्टर के पास जा रही है तो क्या खाना बना के रखे नहीं थे क्या आज तो खाना बचा है तो इसके लिए मुझे गरम गरम बन जाएगा इसमें तुम छोटी सी बात के लिए हम उससे आ गई लड़ने के लिए हम लड़ नहीं रहे हम तुमसे बड़े हैं कुछ भी हम बोल सकते हैं ठीक है हम जो चीज कह रहे हैं अच्छे के लिए करें मत सोचो कि हम तुमको अरे बुरा समझ रहे तुम्हारा बुरा सा अरे करो सब चीज करो लेकिन उसका नियम टाइम कानून होता है पहले की 24 घंटा वीडियो बनाओ कोई चीज के लिए कोई मना करता है कि मत खाओ मत पहनो मत तोड़ो मत करो हम खाने के लिए नहीं कह रहे हैं हम भी अब वीडियो क्या रोज रोज थोड़ी ना बनाते हैं जो वीडियो नहीं क्यों नहीं बनाती हो हम जब देखते तब तो यही रिंग लाइट लगा लोगी यही अपना थोपड़ा लेकर बैठी रहती है दिन भर कैमरे के सामने हम थोड़ा ना कह रहे कि मत बनाओ लेकिन जो चीजें हैं वो चीज पहले करके बताओ रात हो गई है वो अमित आया है नहीं कि जाए फटाफट खाना बनाए ये तो हम सुनाची पे सुनाची मौसी कहा करते कहेंगे वो वीडियो ना आवे हमें खाना ना बनेगा तब आए पूछे तो उनके कह दू कि नहीं अरे अभी बनाओ बतावा 10-11 बजे वाला बात तब तो नहीं सुझात बाटे कि चलो भाई कुछ बनाए थी उनका तबीयत नहीं सही बा बस जब देखा हम घुसी आए हम जरा हम बढ़ गए तो हमें तो चिंता करें पड़बे करें कि घर में का बा का नहीं बा तो उसे का मतलब बटे क्या हम नहीं बनाते हैं क्या ऐसा बोल रही हो बनाती है तुम्हारा फर्ज नहीं है कि एक बार आके पूछे कि हाँ खाना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा तुम नहीं पूछ सकती हो क्या कोई चीज है हमको पता था कि दाल चावल बनेगा इसलिए हम नहीं पूछे इसमें रोने वाली क्या बात है वो क्या बना रही हो बहाने तो कुछ भी बोल सकते है ठीक है इतना बुरा लग रहा है तो जाओ नौटंकी का अपना अपने पास रखो ठीक है हमसे नहीं मतलब है कोई चीज का भाई बहन समझ के हम डांट रहे हैं कल की दूसरे घर में जाती लड़ाई झगड़ा होता तब कैसे सहती किसी की बात ये तुम बहन की बात नहीं सह पा रही हो मतलब आखिर में डांट था आज के जमाने में बोलो बेकार बा अच्छाई के लिए बोला तो भी आखिर से आंसू निकल गया वही गवा अब नहीं सोचे थे चलो मोबाइलिया बंद कह दी चलो एक ही हाँ कहा भा कहा नहीं चलो छोड़ा जाए तो वही गया बस मोह लटका ही हो गया वहा जा तो नहीं बनाए खाना पीना बस आखिर से आंसू निकलेगा वही गवा इन ऐसे दिन चलो बहन है बोल दिन तो ठीक हुआ अच्छे के लिए बोला थी रोहित दिन तो वही गा इनका लब मोह माया बढ़ी गा ज्यादा चलो हम अकेले रहे हम कैसे गलत धरत रहे कुल चीज दूठे बच्चा लेके पाली करी शादी नाई में सब चीज करते रहे बिल्कुल इन सब रात के आए जाए आए वाला रहे तुरंत हम खाना बनाए घर में खियाई पियाई सब साथ ही करे अब दूध जाने वही के मारा हम तभी तो आज सोचे जाए हाँ चल का बने सोनाक्षी की मम्मी या दीदी है बोल तो गरम गरम वो लोग आते गरम गरम बनाते क्या ठंडा खाएंगे क्या अरे तब बच्चे हमारे छोटे थे इसलिए हम उस समय बनाते थे हम तो अभी की बात कर रहे हैं इसलिए हम नहीं बनाए हैं बच्चे मांग रहे हैं तो खुद ही उन लोगों के आने से पहले हम चले जाते खुद ही किचन में बना लेते हैं आज एक दिन लेट हो गया तो इतना दुनिया भर का सुना रहे हैं अपना लेट ही रहती हो तो हम एक शब्द नहीं कहते कि हाँ क्यों लेटी हो क्यों करना है सारा पानी आएगा कपड़ा आएगा सब हम धूल धार के रख देते हैं आज हम थोड़ा सा क्या बनाने लगे कि इसके लिए हमको चार बात सुना रही हो जा जो मन तो हम कर हम लोग जाते चल बेटे ये कमला बता दे चल तुमने सो बिना खाए पिए चल
कह रहा हूँ, कैमरा पकड़ लो, मैं जा रहा हूँ और रिकॉर्ड करना, देखो क्या बोलती है मुझसे, ठीक है? है? क्या हुआ, कैसे भाभी चिल्लाती हुई कमरे में? अरे कह रो रही है बाबू? अरे मेरे बच्चे, अरे क्या हुआ, कह रो रही हो? अरे क्या हुआ, इधर ला, कोई कुछ बोला है क्या? वो क्यों चिल्लाते हुए गई है? अरे आंखों से आंसू बाबू, इधर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बच्चा, बोलो 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 जल्दी से, क्या हुआ, क्या हुआ, कौन क्या बोला है, इतना आंसू क्या हुआ, बोलो, बाप रे इतना क्यों रो रही तुम, क्या हुआ, क्या बोली, बोलो क्या हो गया, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, क्या हुआ, हाँ बोलो, इधर आओ, क्या हुआ, खड़ी हो, इधर आओ, क्या हुआ, क्या हुआ बता, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या हुआ बोलो, बोलोगी, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सोनाक्षी को खींचते हुए गई है चिल्लाते हुए हैं कमरे में, क्या हुआ? इतना काम करते तब पर भी मुझे इतना सुना के गई है। क्या सुना के गई है, क्या हुआ? हम सोचे थे कि आप आएंगे तो गरम गरम बनाएंगे। तो गरम गरम तो तुम डेली खिलाती हो, मुझे ठंडा कहाँ खिलाती हो, हाँ क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, क्या बोली है, क्यों क्यों गुस्सा हुई है? अरे उनसे तो पूछ लेंगे, क्या हुआ बताओ, बोलो जल्दी बताओ। खाना तो तुम बनाती हो, क्या हुआ खाना बनाने में, क्या हुआ, खाना तुम हमेशा बनाती हो, क्या हुआ? अच्छा सामने मैं उनसे पूछता हूँ, मैं उनसे पूछ के आता हूँ क्या हुआ, रुको, बुलाओ उनको, भाभी बुलाओ, अरे उनकी ऐसी तैसी, हमारी बीवी कैसे बोल दी, मार दूं उनको, बड़ी तो रो क्यों रही हो, बड़ी तो अच्छा बोली होगी, फिर काय रो रही हो? हाँ नहीं बाबू, हम खुद ही रोज खाना बना लेते हैं, लेकिन आज हम सोचे गरम गरम बनाएंगे, जिसके लिए हमको इतना आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रुको उनको बुला के लाते हैं, देखते हैं क्या हुआ, रुको दोस्तों, माहौल बिल्कुल ऐसा हो गया, कसम बता रहा हूँ। उसको मेरी वजह से रोना पड़ा, मुझे इतना दुख हो रहा है ना, कसम बता रहा हूँ यार, हम लोग उसको रोता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन ना कैरेक्टर जो होता है ना, करेक्टर उसको पकड़ के चलना पड़ता है, लेकिन अब हमें मजबूरी है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, और हमें ना लाइव को यहीं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। उस चलते हैं उसके पास और उसको बताते हैं कि प्रैंक था, चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, चलिए। मार आज फिर मार पड़ेगी मुझे, क्यों रो रही हो? देखो मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ तुम्हारे रोने का, तुम्हारे साथ प्रैंक हो रहा था। हम तो सारा मजाक कर रहे थे, हम तो वीडियो बना रहे थे, प्रैंक वीडियो। बाबू प्रैंक हो रहा था, सॉरी। हाय रे इतना, अरे बाप रे बाप, इतना आंसू, इनको लग रहा है हम सच में डांटे हैं, हम तो अरे सच में नहीं डांटे हैं, वीडियो हम बनाने के लिए ये हम लोग ऐसे किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, मेरे जैसे किट्टू को रोना पड़ गया यार, सॉरी। देखो तुम, अरे यार प्रैंक वीडियो बना रहे, इतना आंसू बहा रही हो फालतू के, प्रैंक बना रहे थे बाबू। हाँ ये तो मेरी कहानी थी, मेरी स्टोरी थी दोस्तों। आज मुझे पढ़ने वाली बहुत जबरदस्त मार, और किट्टू बहुत ज्यादा रो दी है,
अभी मैं क्या बोलूं यार, मुझे पड़े बस बस बस, झूठ था बाबू, सब कुछ झूठ था। ये जो लगते ए, मनाओ मनाओ मना। ये आंखें, ये दांत। नहीं बाबू, इनके दिल में जो था ये वो ही बोल। अरे नहीं नहीं पागल, हम लोग दूसरे कमरे में प्लान करके आए हैं। ठीक है, प्लान करके आए थे। देखते हैं किट्टो क्या सोचती है, देखते हैं कि किस क्या फील करती है। प्रैंक था कुछ दिल में नहीं था कोई सच्ची। मैंने जो बोला था वो सब दोनों ने बोला है। माय हस्बैंड बोले कि ऐसे जा बोलो तब हम आगे। तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तुम दोनों एकदम बढ़िया अच्छी तरीके से रहती हो, एकदम जय वीरू की तरह रहती हो, और हम तो गब्बर हैं इस घर में। अब देखो सांबा हम लोग नागिन से फेरा है पीछे पीछे लगी तो, रहती है। किट्टो कैसा लगा तुम्हें प्रैंक वीडियो? कैसा था जी, बहाना बताओ। अब खुश हो गई फालतू है आखिर। अभी आंसू मत पूछो, थंबनेल बनाएंगे तुम्हारा फोटो खींच के। तो तुम्हें जरा सा भी लगा तुम्हारे साथ प्रैंक हो सकता है? इसने सोचा होगा ना, अभी तुम्हें साथ प्रैंक हुआ तो मेरे साथ हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने बोला था हम भाभी के साथ करेंगे और उल्टा किट्टो की तरफ तीर घुमा दी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आयो, और फिर किट्टो आज हुई है शिकार, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई सी इनको हमेशा फ्रेंड वीडियो बनाने में शामिल करेंगे तुरंत सोच लेती है कि कोई रियलिटी हो रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला हम जो भी वीडियो बनाएंगे ना आपको पहली नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी, क्यों भाभी जी? बिल्कुल, और हमारे आईडी को फॉलो करिए किट्टो एंड वंदना एंड किट्टो ब्लॉग। तो भाभी का ब्लॉग का चैनल है किट्टो एंड वंदना एंड किट्टो ब्लॉग्स, किट्टो का जो चैनल है किट्टो ब्लॉग्स, और मेरा अमित एंड किट्टो जायसवाल, हम तीनों का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू ऑल।